बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। झूम को इतनी बड़ी रेटिंग देखकर चौंक गए अमिताभ बच्चन। बोले, ये है बहुत। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स के साथ साथ कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी वापसी कर रही है। इस बीच IMDB यानी इंटरनेट मूवी डाटाबेस ने 10 में से झूम की रेटिंग दी है। IMDB द्वारा दी गई रेटिंग को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा है कि यह बहुत ही दुर्लभ है। लोकप्रिय मूवी रेटिंग वेबसाइट IMDB ने फिल्म झुंड को 10 में से 9.3 रेटिंग दी है। अमिताभ बच्चन के एक फैन ने इस संबंध में एक ट्वीट शेयर किया और इसमें अमिताभ को टैग किया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, यह बहुत दुर्लभ है। उसके बाद अमिताभ के ट्विटर पर कई लोग कमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वे फिल्म झुंड में उनके बेहतरीन काम के लिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इस बीच झुंड नागपुर के एक सेवानिवृत्त खेल कोच विजय बरसे के जीवन पर आधारित है। उन्होंने स्लम के बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देकर उन्हें नया जीवन दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय बरसे की भूमिका निभाई है। फिल्म में सैराट फेम रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को फिल्म में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की भूमिका के लिए चुना गया। नागराज मंजुले को लगा कि अगर फिल्म के किरदारों को उचित न्याय दिया जाए तो ऐसा सिर्फ ऐसे बच्चे ही कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म के कई कलाकार पहली बार कैमरे के सामने थे। इसके बावजूद नागराज मंजुले ने सभी से अच्छा प्रदर्शन करा लिया। फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू में बोलते हुए अमिताभ बच्चन ने एक कहानी सुनाई। बॉलीवुड सीजन से बात करते हुए अमिताभ ने कहा, मुझे एक बात याद है। एक सीन था जिसमें सभी बच्चों के आंखों में आंसू। उस सीन से पहले एक लड़का मेरे पास आया और बोला, सर कैसे रो। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, उस लड़के के भाषण में बहुत अर्थ छिपा था। लड़का उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां रोने सहित सब कुछ पीछे छूट गया था। वह शायद अपने जीवन में कभी नहीं रोया, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में बड़ा हुआ था जो इतना मुश्किल था कि रोना ही एकमात्र विकल्प नहीं था। वो पल बहुत देर तक मेरे साथ रहा। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।